मेरा नाम है दिलेसी, जा रहे हैं जी गाँव जानवर लेने के लिए। आपको बताया था लास्ट ब्लॉक में जो है ना, आज जो है ना वो गांव जाना है, तो अभी जो है ना यहाँ से निकल रहे हैं सिटी से, और अली साहब और मैं बैठे हैं जी। हमारे ये जी ओपन एक लोडर रिक्शा है, उस पर जा रहे हैं कजन के साथ। हमारे साथ जी ये भतीजा मेरा भैया, इधर क्या हाल है जी? अधीक साहब ये जी अभी भाई, हम लोग जी बस ये पहुँच गए जी लारीडा, तो पहुँचे हैं जी काली चौक, और कॉलेज की ये अपने जाना है शहर से बिल्कुल बाहर निकलते हुए, ये सरगोधा रोड पर जी टर्न कर रहे हैं, ये है जी छोटा रिक्शा हमारा। छोटी है भाई, छोटी है। अभी हम लोग जी है ना वो शहर से बाहर एंटर होने लगे हैं, शहर से बाहर जाने लगे हैं, एंटर नहीं होने लगे, मतलब एग्जिट करने लगे हैं। हम लोग पहुंचे हैं जी बार बार ये हम लोग जी शहर से बाहर है, वो एक्सीडेंट भी किया है, ये अजी बन और हमारा बाईपास। मौसम बड़ा प्यारा सा है आज, सीनरी मजे की है बाहर जो है ना, और ग्रीनरी है, ऊपर से बादल हैं, बारिश वाला मौसम है, हो सकता है आ ही जाए बारिश। मौसम के हालात है ऐसे ही, मौसम है तो ठीक है, बारिश आ गई तो काम ज़्यादा ख़राब हो जाएगा, आगे रास्ता भी हमारा ख़राब हो जाएगा, और पीछे जो है ना वो हमारा वापसी आना ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा। अभी हम लोग कोशिश करेंगे जितना जल्दी जो है ना वो जाए और वापस लेके आ जाए। पहुँचे हैं जी पक्के वाला, पक्के वाला यहाँ पे एक जगह है जंग के पास, दरिया से थोड़ा सा पहले। व्हाट अ ग्रीन सिटी, क्या कमाल की सिटी है यार। शोर से ही आप लोगों को आ रहा होगा, लेकिन अब हवा इतनी तेज है कि शोर तो सुनाई देना ही देना है, तो जितनी मर्जी हम लोग मेहनत कर देते हैं माइक इस्तेमाल कर ले शोर आना ही आना। वाले और हल्की हल्की जो है ना बारिश शुरू हो गई है, पता नहीं आप लोग को आवाज़ आ रही है नहीं आ रही,
मैंने इसीलिए लगाए हुए हैं जो है वो ईयरबड्स कान पे, कि कम से कम मैं जो है ना वो सही से बोल पाऊँ, मेरे पास हवा के दबाव इतना ज़्यादा ना हो। और दरिया में जो है पानी भी आया हुआ है, पीछे सिंधी आप देख सकते हैं कितनी ब्यूटीफुल सिंधी है। मैं आप लोगों को दिखाता हूँ, ये रहा पीछे का सीन ज़रा। तो हाँ ब्यूटीफुल सीनरी है यार, माशाल्लाह सही बराबर है, सही बराबर है यार, कमाल है। मैं कह रहा हूँ जन्नत से ज़्यादा कम नहीं है जो आज मौसम बना हुआ है, और इतना प्यारा जो है ना वो। निखरे हुए जानवर भी है, क्योंकि खास करके हम लोग आ चुके हैं कि पीर कोट से जाना और ये मसल रोड के ऊपर, और ये हम लोग ने जाना है मसल, और मसल से जाना वाले हम लोग गाँव की तरफ जाना है। सामान जो देने वाला था वो तो हम लोग ने दे लिया जी। अभी अली साहब का दिल कर रहा था कि मौसम बड़ा प्यारा सा है और पकौड़े नहीं है, अली साहब उतरे हैं अभी जो है ना वो लेने गए हैं जी पकौड़े, के जो है ना पकौड़े वगैरह खाए, और अभी हम लोग बैठे हैं जी, अभी आधे साथ सामान हमारा उतर गया, बाकी खाद जानी थी गाँव। तो ये आप लोग देख सकते हैं, ये रहे खाद की गट्ठू, ये मेरा बैग तो मेरा साथ ही होता है। पकौड़े सही नहीं थे, हम लोग जो है ना वो लेके आए समोसा, और ऐसे ही खाते हैं जैसे यूनिवर्सिटी में अक्सर हम लोग खाते हैं बगैर प्लेट के। देखें अली साहब खा रहे हैं, अभी भाई भी लगे हुए हैं खाने, वो हमारे तैयब साहब भी लगे हुए हैं, अतीक भाई खा चुके हैं, आ जाए आप लोग अभी खाना। पकौड़े से हम लोग जो है ना वो उतर आए हैं और अपने जो है ना वो आगे कच्चे रास्ते पर, ये देखें जी, ये देखें अली साहब बैठे हैं, अभी भाई वो बैठे हैं, हम लोग बैठे हैं खाद के गट्ठे उनके ऊपर बैठे हुए।
ये देखें, ये भी अली साहब ने समोसे वगैरह खाए और सब बोतल भी है। स्क्वैट देख गया ना, चेक कर ये देखें, शर्मा आ गया, बच्चा शर्मा आ गया है। हम लोग बैठे हैं जी ये, और पीछे आप लोग देखे गड्ढा कितना उड़ रहा है, सही गड्ढा उड़ रहा है। रस्ते में बारिश थी, यहाँ बारिश ही कोई नहीं है, शुक्र है बारिश नहीं है, ये अच्छा हो गया, मौसम ठंडा है ये काफी है, नहीं तो यहाँ पे जो रास्ता है ये सारा जो कच्चा रास्ता है कोई नहीं लाते। वो पिछला व्लॉग पता नहीं पिछले साल वाला देखा कि नहीं देखा, उसमें सही जो है ना वो हालत खराब हुई हुई थी। मैं जी हम लोग तकरीबन जो है ना पहुंचे हैं बिल्कुल पास ही अपने एरिया में आ गए। जी रक्षा यहाँ पे जो है ना हमारा पहुंचा है। लो जी हम लोग जो है ना अपने एरिया में आ गए हैं जी, और अल्हम्दुलिल्लाह सही से पहुंचे हैं। पिछला हमारा सारा सफर एक तरफ और ये आगे जो ये 7 किलोमीटर है ये एक तरफ, सही जलालत वाला रास्ता होता है, कच्चा रास्ता है और जलील हो जाता है बंदा, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह पहुंचे हैं। आप पीछे सीनरी चेक करें, कितना प्यारा व्यू है यहाँ का, ये जो है ना मैं कहता हूँ कि पीस ऑफ जो है ना वो जन्नत है, पीस ऑफ जन्नत है, सच्ची बात है, बहुत मज़े की जगह है। ये दरिया का बिल्कुल जो है वो एक कॉर्नर है जहाँ पे मतलब ये हमारा घर है, और बाकी मैं आपको दिखाता हूँ ब्यूटी यहाँ की, चेक करें माशाल्लाह। ये खड़ा रिक्शा जा रहे हैं ठीक भाई, और ये जो दरख्त नज़र आ रहा है इसके पास यहाँ पे हमारा घर है, तो चलते हैं जरा अपने जानवर भी देखाते हैं। सैयद साहब आपको नीचे उतारूं आज, लॉज ठीक है, पहुंचे हैं जी अपने सामान वगैरह, सौदा सलफ लाने वाला था कुछ घर का यहाँ पे चाचू लोग का, वो लेकर आए। और तेरी लगी हुई है, ये सब्ज मिर्च लगी हुई है थी, ये सब्ज मिर्च लगी हुई है। तैयब क्या लेके जा रहे हो, तैयब बोतल लेके जा रहे हो? अच्छा जी, सामने जा रहे हैं अली साहब, अतीक साहब और वो उधर हबीब भाई, कि ये देखें बिल्कुल साथ दरिया है, दरिया का किनारा, और क्या ब्यूटीफुल माशाल्लाह जी, मैंने आपको कहा है ना दिस इज़ अ पीस ऑफ जन्नत, क्या कमाल की जगह है यार ये। ये देखें जी जानवर सारे बंधे हुए हैं, पर सोलर प्लेट्स और ऊपर बादल देखें कितने प्यारे लग रहे हैं, और अभी जो है ना वो पैदल मार्च कर रहा हूँ बस, अब जो है ना वो तकरीबन टाइम भी जो है वो नज़दीक है असर से मगरिब के दरमियान का टाइम है, क्योंकि बादल ऐसे वैसे ऐसा लग रहा है, तो अभी तो पहले एक तो टाइम देखते हैं ना टाइम क्या हुआ है, और दूसरा ये है कि जल्दी से वापसी की तैयारी भी करनी है कि जितना जल्दी हो सके यहाँ से हम लोग निकलें, क्योंकि अंधेरा हमें हो जाना है रास्ते में। और बाकी सफ़र अच्छा रहा है, बस थोड़ा सा तंग हुआ, असल में मेरे सर में बहुत दर्द है, रात को थोड़ा जो है वो देर से सोया हूँ और नींद पूरी नहीं हुई, इस वजह से सर में दर्द है। और बाकी ये चेक करें क्या ब्यूटीफुल जगह है यार माशाल्लाह, ये रहा हमारा घर, इधर से ट्यूबवेल लगा हुआ है, वो दो घर हैं मेरे चाचुओं के, और क्या कमाल की जगह है, ऑन द बैंक ऑफ चनाब रिवर माशाल्लाह माशाल्लाह, है ना मज़े की जगह। ये देखें तैयब साहब को देखें किस मस्ती में आ रहे हैं, ओ वाह वाह क्या बात है जी, हमारा बकरा जिसको सिंह मारेगा उसका काम तो भजन हो जाना। तो भी जाने हैं, अभी दो और जानवर भी हैं, तीन ये हो गए तो और पांच, ताज़े दूध की लस्सी अभी कच्चे की। नवाज शरीफ साहब द ग्रेट, मियाँ साहब क्या हाल है, ठीक हो आप सुनाओ, आज वैसे आना आपको हमारे साथ चाहिए था उधर से यही रहे थे। अभी ले दो, अभी दो ले, देखो तो बैठा एक पाई बैठा, अच्छा ठीक था चलो। इनके लिए छड़ी लेके चलना पड़ता है, निकलेंगे अभी, ये सामने है जी पानी आया हुआ है दरिया में, चलो जी चलो चलो,
देखो हबीब भाई लेके आ रहे हैं जी वो खाद के गट्टू जो हम लोग लेकर आए थे, वो भी रखने जा रहे हैं। अतीक भाई रास्ता बना रहे हैं। अबे अतीक मोटर बना दिए, मैंने छड़ी पकड़ी हुई है ले लो के लिए ले। और बाकी ये दो ये जा रहे हैं तो काम कंप्लीट, बस अभी पांच सही सलामत पहुंच जाए। कर गया यार सेल्फी नहीं बनवा रहा मैं था। ओ यार मैं डाल लेता हूँ उसका, कर गया अभी पहले बनवा रहा था, मैंने दो तीन तस्वीरें बनाई हैं। आ जा तो ये तो मारता है ही। लो जी भाई लोडिंग हो रही है मेरे। नहीं जी भाई टेक्निक्स लग रही हैं तो कौन सा तरीका ज़्यादा कामयाब है भाई इनको लेके जाने का। तो मेरी तरह के तो भागे हैं, ले ले भागे। बहरहाल अभी बस ये लोडिंग हो रही है, था ये मन 10 मिनट का और काम है, फिर उसके बाद जो है ना रवानगी वापस। हाँ टाइम जो है वो देख लेते हैं, अतीक भाई का फ़ोन मेरे पास है, टाइम देख लेते हैं। 6:45 है, 6:45 हो गए। चुने जो है ना हमें वो सेटिंग करके दे रही है, 6 कह रहा हूँ, 2 और 3 5 जो है ना ये बांध के दे दी हमें। चलते हैं भाई अभी लेके। बस बस ठीक नहीं जी भाई, रिक्शा हो गया जी लोड। हबीब भाई खड़े हैं, पता नहीं अब हम तीन भाइयों ने जाना कैसे है, एक तो ड्राइवर हो गया ना, बाकी हबीब भाई और वो इन्होंने जाना कैसे है। अल्लाह के हवाले, नहीं कोई नहीं बस पहले प्रोग्राम है, बारिश मौसम खराब है ना, नहीं तो पक्का प्रोग्राम है मेरे को। साहब बाय बाय, आपकी वीडियो पहले नहीं है, हमने कहा बना ले, चलो यादगार है। गर्मा गर्म कजन ने भाई चावल बनाए हुए थे, उन्होंने चावल दिए हमें कि आप चावल लेके जाओ, और बैठने का टाइम नहीं था क्योंकि अंधेरा हो चुका था, तो अभी बस जाना वापसी हमारी। ले भाई अली अली सीधा के ऊपर बैठ। नहीं नहीं भाई चले, इनके साइड पर तो ये भाई है लगे हुए ना पट्टे, इनके तो मौज है भाई, इनकी मौज। अभी अभी भाई ने बैठना है, मैंने बैठना है, सफ़र तो हमारा जो है ना वो काफ़ी है, मतलब कि अभी 1.5 घंटे का हमारा सफ़र बन जाना आलमोस्ट, क्योंकि ये रास्ता थोड़ा सा ऐसा है, फिर जानवर है बड़े एहतियात से लेके जाने हैं, तो होप सो इंशाल्लाह खैरियत से पहुंच जाएंगे। सुभान अल्लाह जी साखर आजम हम खुद अल्लाह, सफ़र हमारा शुरू हो गया और इस तरह हम लोग भाई लोग कुछ बैठे हैं जी। इस तरह शोर तो सही आ रहा है ना, आवाज को नहीं सुनाई दे रही होनी आप लोग। ये है जी हमारे पास जानवर, और ये हमने नीचे गद्दा बिछा लिया है, केली साहब बैठे हैं बड़े धोखे होके है, भी भाई बैठे हैं बड़ा आगे चलना। पट्टे डालने नहीं हां वेली इजी बैठा नहीं। सेटिंग दोबारा हमें थोड़ी सी करनी पड़ रही है, तकरीबन जो है ना हम लोग रास्ते में घर से निकले भी 2-3 किलोमीटर ही जो है सफर हुआ हमारा। हबीब भाई थोड़ी सी सेटिंग कर रहे हैं, ऐसी कोल की जैसे बांध रहे हैं क्योंकि तंग कर रहे थे हमें बैठे हुए। ये चावल चावल भी खाएंगे जो हमारे पास है। बस अब जो है ना वो तकरीबन 5-7 मिनट का सफर आगे करता है पूरी दूर। बस गली में आ गई, अब आगे जो है ना वो